विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? इस द्वार को बंद करने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जिससे दुर्गमासुर भीतर प्रवेश न कर सके और उसे कुछ और समय प्राप्त हो। इस द्वार का निर्माण स्वयं असुर शिल्पी मायासुर ने किया है। इसकी कुंजी के बिना इसको खोलना कठिन ही नहीं असंभव समान है। मूषक जी रुकिए, क्या हुआ प्रभु? वहाँ पीछे किसी के कराहने का स्वर आ रहा है। किंतु प्रभु, हमें तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए ना। क्या हमें दीपक का प्रकाश इंगित कर रहा है? वेद माता को मुक्त कराना तो अति आवश्यक है, किंतु यहाँ कोई पीड़ा में है तो उसकी वेदना भरी पुकार को कैसे अनसुना कर सकता हूँ मैं? यदि वास्तव में कोई पीड़ा में है और उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ मूषक जी? इसलिए मुझे उस ओर जाना ही होगा। हाँ प्रभु। मूर्खो, गिराओ इस द्वार को। कौन है आप? प्रथम पूज्य गणेश जी, पार्वती नंदन गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, गणेश जी, मैं एक वेद मंत्र गोपा जी, संभालिए स्वयं को। ये दुष्ट दुर्गमासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया और वेद की शक्ति दुर्बल पड़ गई है, इसलिए वेद के मंत्र यहां वहां बिखर के क्षीण हो गए हैं और अब वो पतन की अवस्था में आ चुके हैं। गणेश के पास अब अधिक समय शेष नहीं, क्योंकि दुर्गमासुर भी दुर्ग का द्वार गिराने का प्रयास कर रहा है, इसलिए अब गणेश को शीघ्र ही वेद माता तक पहुंचकर उन्हें सबल करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी, कृपया कर वेद को पाप के बंधन से मुक्त कीजिए, जिससे वेद की शक्ति पुनः समृद्ध हो और हम वेद मंत्र पुनः वेद में समाहित हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ वेद माता को ही मुक्त कराने आया हूँ। माँ, शीघ्रता कर मुझे वेद माता तक पहुंचा दीजिए। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तो गहरी खाई है, किंतु माँ की शक्ति हमें आगे की ओर ही जाने को इंगित कर रही है। माँ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तुम
किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र। किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। माँ के दीपक की लौ हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे मूषक जी। जब वहाँ कोई मार्ग ही नहीं है तो गणेश जी आगे कैसे जा सकते हैं? अग्निदेव, यही तो मेरे प्रति विश्वास की परीक्षा, क्योंकि यदि विश्वास तो मैं मेरी शक्ति गणेश का उचित पथ प्रदर्शन करेगी। मैंने ही मायासुर से इस शक्तिशाली द्वार का निर्माण कराया था। कोई भी मेरे दुर्ग में प्रवेश न कर सके, किंतु मुझे अपनी शक्ति से इसे गिराना होगा। मूषक जी, आप भी आगे बढ़िए। जब माँ हमारा मार्गदर्शन कर रही हो तो हमसे भूल कैसे हो सकती है मूषक जी? उस दुष्ट बालक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ है? कहाँ है वो बालक? कहाँ छिपा है? कहाँ है वो बालक? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो? ओ, तो तुम अभी तक जीवित हो? मैं तो जीवित हूँ, किंतु तुम्हारे मस्तक पर ये श्वेत की बूंदें, क्या हुआ दुर्गमासुर? तुम्हारे जीवन के जाने का भय तुम्हें विचलित कर रहा है क्या? तुम्हारा अंत स्वयं अपने नेत्रों से देखने का आनंद प्राप्त होने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा आभास असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत अब अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। शांत हो जाओ, तो मेरी चिंता मुझ पर छोड़ दो। वेद की देवी, अपना विचार करो, किसी प्रकार तुम्हारे प्राण
तुम्हारे भीतर अटके हुए हैं। देखो देखो अपने पन्नों को, अब तो तुम्हारे मंत्र भी अदृश्य होने लगे हैं। तुम लुप्त हो रहे हो, मिट रही हो तुम। बस अब कुछ समय शेष है, फिर तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। तुम्हारा और तुम्हारे मंत्र का चिन्ह शेष भी नहीं रहेगा। नहीं दुर्गमासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपनी माता की शक्ति पर, वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अच्छा, हाँ, ज्ञात है मुझे, देवी आदि शक्ति का पुत्र मेरे नगर में है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, है ना? है ना? और मुझे ये भी ज्ञात है कि वो यहीं कहीं छिपा बैठा है, किंतु वो असहाय है, क्योंकि तुम अभी भी मेरे बंधन में हो, अर्थात वो कुछ भी करने में असमर्थ है। यदि संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो वो एक मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे अब तुम्हारी वेदों के पत्र छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ही हटी हो, और ये इसी का परिणाम है। प्रभु, मैं वेद माता की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता, किंतु अब हम क्या करें प्रभु, कैसे मुक्त करें उन्हें? ये गणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये दुर्गमासुर को उचित पाठ क्यों नहीं सिखाते? स्मरण रखे देवराजन, गणेश को वहां माता ने क्यों भेजा है? वेद माता को मुक्त कराने के लिए, दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए नहीं। वैसे तो गणेश युद्ध करने से कदापि पीछे नहीं हटता, किंतु क्योंकि उसे भी ज्ञात है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त है। मां, अपनी दीपक की लौ से मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। सत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु भय से अमरता की ओर ले चलिए। शांति।
सब इस बालक के कारण हुआ है। मैं उसके मंत्र के उच्चारण को भी रोक दूंगा। सावधान दुर्गमासुर। इतना दुस्साहस कर रहे हो तुम, जो मुझे मुक्त कराने आए हैं उन्हें भी क्षति पहुंचाना चाहते हो। मूर्ख हो तुम। इतना भी ज्ञात नहीं कि उनके समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, वो वेद के सार हैं। वो ओमकार स्वरूपी गणेश जी हैं, महागणाधिपति हैं वो, महागणाधिपति हैं वो। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आ, आ, आ। चलिए वेद माता, ब्रह्मदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए गणेश जी, यहाँ मेरा अभी एक कार्य शेष है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। दुर्गमासुर ज्योति रूप में माता तुम्हारे नगर में उपस्थित है, इसलिए अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सब ध्वस्त होगा, सब भस्म होगा। यहाँ सदा विद्या और ज्ञान का उचित सम्मान करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।